जैसा कि आप जानते हैं कि चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन डीडीसी काउंसिल के इलेक्शन थे आज। चेयरपर्सन के लिए पूजा ठाकुर जो 8 वोट लेके जीत चुकी है और वाइस चेयरपर्सन के लिए साइमा शबीर लोन जिन्होंने 7 वोट लिए हैं ट्राइंगुलर कंटेस्ट में तो वो विजय जीत चुकी है। सर ये अच्छी सहमति से बना क्या क्योंकि ये डेवलपमेंट के नाम पे चुनाव हुए थे तो क्या पूरी सहमति से बना? नहीं ये तो चेयरपर्सन के इलेक्शन के लिए 2 कैंडिडेट के नाम थे तो उनमें से वोटिंग की गई। वोटिंग में एक कैंडिडेट को पूजा जी को 8 वोट मिले हैं और दूसरी जो कैंडिडेट थे शरीफा बेगम उनको 6 वोट मिले तो अल्टीमेटली 8 जिसको वोट मिले हैं पूजा जी को वो विजय हो चुकी है। कांग्रेस नेशनल का है कार्ड का मुझे लिया बस डाटी राह मुबारक शबीर साहब। सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारी जो अलायंस पार्टनर है कांग्रेस का उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। मेरे जितने भी काउंसिलर मेम्बरान हैं तहे दिल से कितना हम लोगों ने क्या क्या सहा है इन दिनों ये मेरे काउंसिल मेंबर्स को ही पता है बट हम लोग अटल रहे एक ही जगह पे। मैं इनका सारा श्रेय अपनी जीत का जो है अपने मेंबर्स को देना चाहूंगा और अपने लोगों का भी जिन्होंने मुझे इलेक्शन में जिता के एज ए डीडीसी मेंबर यहां भेजा और पार्टी और मेंबर्स जिन्होंने मुझे नॉमिनेट किया चेयरमैन के लिए और मैं जीती भी तो यही कहना चाहूंगी कि काम करूंगी लोगों के लिए पूरा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के लिए और ये सिर्फ दक्षिण का प्राउड का मूवमेंट नहीं है पूरे किश्तवाड़ के लिए है क्योंकि एक औरत जीत के बाहर निकली है। मैं सजाद साहब तनवीर साहब सरोड़ी साहब सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। मेरे जो आला कमान हैं फारूक साहब जी उमर साहब जी सबको अभी एक्चुअली मैं इतनी घबराई हुई हूँ कि क्योंकि इलेक्शन आपको पता ही है अब मैं है एक इम्तिहान मैंने पास कर लिया है अब आगे बहुत सारे इम्तिहान है जो मुझे पास करने हैं। ये जो इम्तिहान होंगे हर इम्तिहान में ये जो इम्तिहान आपने दिया इसका रिजल्ट क्या होगा क्या किस विजन के साथ आप आगे चलेंगे? डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट का ही विजन रहेगा और मेरे जितने भी मेंबर्स हैं चाहे वो अपोजिशन के हैं सबको साथ लेके जाऊंगा।